अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाज़रीन, हम खबर पर बने हुए हैं। जो लड़कियां किश्तवाड़ से लापता हुई थी, जो दो लड़कियां, उनको जो ठाठी में जो है वो रिकवर किया गया विद इन 45 to 55 मिनट्स में जो है किश्तवाड़ पुलिस को जब ये मामला सामने आया, उन्होंने जो है उन लड़कियों को रिकवर किया। इस वक्त अब से कुछ देर पहले जो है वो ठाठरी से जो वो दोनों बच्चियां हैं उनको जो है वो यहां पर लाया गया है पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ में, जहां पर पुलिस उनको काउंसलिंग कर रही है और उनसे जो है वो कुछ डाटा जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है कि वो कैसे गई, क्या वजूहत हुई, क्या नहीं हुई। और जो सीनियर ऑफिशियल से उन्होंने हमें बताया कि अगले 10-15 मिनट में जो है लड़कियों को जो है वो माँ बाप ने हैंड ओवर किया जाएगा, फिर उनको मॉर्निंग में बुलाया जाएगा। क्योंकि पुलिस ऑफिशियल्स का ये कहना है कि लड़कियां जो है वो नाबालिग हैं, इसलिए उनको जो है वो हम जो है वो पुलिस स्टेशन में जो है वो रात बिताने के लिए नहीं रख सकते हैं। और जो ये दोनों लड़कियां हैं उनको जो है वो उनके पेरेंट्स जो आए हुए हैं यहाँ पर, जो अंदर इस वक्त पुलिस स्टेशन के आते में मौजूद है, उनको जो है वो हैंडओवर किया जाएगा। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि हम लड़कियों की शिनाख्त नहीं बताएंगे, लेकिन ये मामला जो है वो एक बहुत बड़ा अलार्मिंग है, खासतौर पर पेरेंट्स के लिए। और अब ये देखने की ज़रूरत है कि पेरेंट्स को इस तरह की सिचुएशंस में क्या करना चाहिए। जो पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया था उस पर एक इम्पॉर्टेंट लोग कमेंट कर रहे हैं कि काउंसलिंग की बच्चों को ज़रूरत है। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो बच्चे आपके हैं आप उनको काउंसल कीजिए, जो स्कूलों में जाते हैं, ट्यूशन सेंटर्स में जाते हैं। क्योंकि जब एक बच्ची ही नहीं, जबकि आप बच्चे को या बच्ची को ट्यूशन या स्कूल भेजते हैं, यानी कि वो आपका एतमाद जो है वो साथ में लेकर जा रहा है। यानी कि न सिर्फ वो अपने पेरेंट का एतमाद साथ में लेकर जा रहा है, बल्कि वो बच्चा, चाहे वो बच्ची हो या बच्चा हो, वो अपने माँ बाप की इज्जत, अपने मामाओं की इज्जत, अपने चाचों की इज्जत, अपनी पुपियों की इज्जत, अपनी मासियों की इज्जत, जितना पूरा खानदान है और सोसाइटी है उसकी इज्जत को जो है वो साथ लेकर जो है वो जाती है। अगर इस तरह के मसले जो है वो रिपोर्ट हो जाए कि बच्चे जो है घर से स्कूल के लिए निकलते हैं और फिर स्कूल नहीं पहुंचते हैं। हालांकि इस मसले में जैसे ये तीनों बच्चियां, जो दो ये आगे चली गई थी और जो एक बाद में घर पहुंच के गई थी, तीनों बच्चियों के पेरेंट्स को जो है स्कूल के स्टाफ ने फ़ोन करके ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो बच्चियां हैं वो स्कूल में नहीं आई है। हालाँकि फिर बच्चियों ने जो है वो कुछ अपना जहन इस्तेमाल करते हुए ये बोला कि वो रैली में है, क्योंकि ये तीनों बच्चियां जो थी वो चौगान ग्राउंड में है। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई कि जो एक लड़की है उसको बॉयफ्रेंड मिलने के लिए आया हुआ था वहाँ पर, और ये दो सहेलियाँ जो है वो उसके साथ थी। जब उनके घर वालों को पता चला तो उन्होंने इनको जो है वो डांटा, उसके बाद जो है ये लड़कियाँ जो है वो घर से निकल पड़ी और इनको जो है पुलिस ने ठाठरी में रिकवर किया। हालाँकि जिस लड़की का बॉयफ्रेंड साथ में था वो लड़की घर पर थी और एंजॉय कर रही थी, लेकिन जो ये अपनी सहेलियां हैं उनके लिए जो है एक मुसीबत जो है वो खड़ी हो गई। अब हमें ये बताया जा रहा है कि वो जो थर्ड लड़की है उसको भी जो है वो कल शायद बुलाया जाएगा, उनके पेरेंट्स को लड़की के बुलाया जाएगा और उसको भी जो है वो काउंसलिंग की जाएगी और उस लड़की के माँ बाप को भी जो है वो उसके बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से जो है वो इसको हैंडलिंग की ज़रूरत है। मेरी तमाम मीडिया पर्सन जितने भी हैं वो इस इशू को जो है वो पॉजिटिव वे से, इस तरह से कवर करें कि किस तरह से समाज में जो है इस तरह की चीज़ों को जो है वो रोका जा सके। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने बच्चों को जो है वो काउंसलिंग करे और अगर हो सके तो वो बच्चों को जो है वो स्कूल अंदर ड्रॉप करने तक जो है वो जाए। अगर किसी पेरेंट्स के पास टाइम है उसको जो है वो जाकर जो है वो ट्यूशन सेंटर तक बच्चों को जो है वो छोड़ सकता है। आपको याद होगा 2-3 दिन पहले मैंने आपको एनिमल फिल्म का जो है वो एक ट्रेलर बताया था कि किस तरह से वो स्टोरी ही यही है कि उसमें अनिल कपूर जो है वो एक करोड़पति अरबपति बाप होता है जिसको अपनी बेटी और अपने बेटे के लिए जो है वो टाइम नहीं होता। जब उस फिल्म में जो जो रणबीर कपूर है जो कि उसमें एक एनिमल बना है, यानी कि वेशी जो बना है उसमें, जब उसकी बहन को जो है कुछ लड़के कॉलेज में रैंकिंग लेते हैं और वो कॉलेज उसी की फैमिली का होता है, जब वो पेरेंट्स को फ़ोन करते हैं तो वो बाप फ़ोन में नहीं उठाता है, उसके बाद ही ये कहानी शुरू होती है कि जो बच्चे माँ बाप के कंट्रोल से बाहर निकलते हैं या जिन माँ बाप को अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं होता, फिर उनको बच्चों के ज़रिए जो है वो एनिमल जैसी फिल्म के की स्टोरी जो है वो बनती है और साथ में जो है माँ बाप को फिर जिल्लत भी उठानी पड़ती है। हालांकि जब ये मसला हमारे पास आया हमने चाहा था कि इस इशू को जो है वो दबाया जाए, लेकिन ये बात ऑलरेडी सोशल मीडिया के जरिए और सोसाइटी में जो है वो ऑलरेडी फैल चुकी थी कि जो दो लड़कियां हैं, पहले तीन की बात की जा रही थी कि तीन लड़कियां जो है वो किश्तवाड़ से फरार हो गई हैं और लापता हो गई हैं, और वो उसके बाद जब हमें पता चला कि वो दो ही लड़की थी जबकि तीसरी लड़की थी वो घर में मौजूद थी जो इनके साथ थी,
अभी तक 15 लड़कियां जो है पिछले 2-2.5 महीनों में जो है वो घरों से निकल कर गई हुई हैं और उनको जो है फिर पुलिस ने जो है वो फिर रिकवर किया। आज भी जो है वो पुलिस ने इन लड़कियों को रिकवर किया। जो DYSP हेडक्वार्टर डॉक्टर शांत गुप्ता और SHO पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ की जो टीम थी उन्होंने इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन की वजह से जो है इन लड़कियों को 1 घंटे से पहले ही जो है वो रिकवर किया। खुदा नकास्ता अगर ये लड़कियाँ कहीं और चली गई होती या इनके साथ कोई और दुखद हादसा रास्ते में होता तो फिर ये हमारे पूरी सोसाइटी के लिए जो है वो एक एम्बेरसमेंट की बात थी। मेरी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर वो इस तरह से कहीं किश्तवाड़ सिटी से बाहर बच्चियों को या इस उम्र के बच्चों को देखे वो पुलिस को जो है वो इन्फॉर्म करें। अभी कुछ देर पहले ही जो है एक और डोडा की लड़की को जो है वो अकेले चल रही थी शालेमार के करीब, उसको जो है वो पुलिस ने देखा और फिर उसको जब यहाँ थाने में लाया, उस लड़की की उम्र 27-28 साल थी, पता ये चला कि उसकी जहरी हालत जो है वो ठीक नहीं है और इस बार पुलिस ने फिर उसको जो है वो अब से कुछ देर पहले जो है उसके पेरेंट्स को जो है वो हैंडओवर किया और उसके पेरेंट्स ने बताया कि ये जहनी मरीज है। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर कहता हूँ कि पेरेंट्स और उसके घर वालों की रिस्पांसिबिलिटी है कि उस तरह की जो लड़कियाँ हैं जो जहनी तौर पर परेशान हैं उनकी भी रखवाली करने की ज़रूरत है। खुदा न खास्ता अगर इस रास्ते पर अंधेरे में उस लड़की के साथ कोई ज़ाती हुई होती तो शायद कल जो है वो फिर हमें पछताना पड़ता। सोसाइटी की भी जो है वो रिस्पांसिबिलिटीज है, पेरेंट्स की ही रिस्पांसिबिलिटी नहीं। हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों किस तरह से जब स्कूल टाइमिंग होती थी जो मनचले लड़के हैं वो स्कूलों के बाहर खड़े रहते थे, जो हमारा आयरन ब्रिज है उसके ऊपर चढ़कर जो है वो वीडियो बनाते थे लड़कियों को, लेकिन फिर भी वहाँ पर पुलिस को जो है नाके लगाने पड़े, क्रैकडाउन करने पड़े, उसके बाद इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो कम हो रही है हुई। पहले नौबत ही क्यों आती है? जब इस्लामिक स्कूल में बेड कॉलेज में छुट्टी होती है लड़के बाहर खड़े होते हैं, गर्ल्स स्कूल बॉयज स्कूल कॉलेज में छुट्टी होती है चौकू में लड़के खड़े होते हैं, पहले खड़े होने की ही क्यों ज़रूरत है? क्या हमारे घरों में माँ बहनें नहीं है कि हम जाकर जो लड़कियों का कॉलेज में छुट्टी होने का इंतज़ार करें, स्कूलों में छुट्टी होने का जो है वो इंतज़ार करें? क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पुलिस पर है? जो सोसाइटी के बड़े लोग हैं क्या वो कभी चौक में खड़े नहीं हो सकते हमारे शहीदी मज़ार चौक में या इस्लामिक स्कूल के बाहर चौक में और वो देखें कि ये कौन लड़के मनचले हैं जो लड़कियों को छेड़ते हैं वहाँ पर? कुछ लोग बताते हैं कि लड़के ही नहीं छेड़ते, कुछ लड़कियां भी छेड़ती हैं, चाहे लड़के छेड़े या लड़कियां छेड़े, कसूर दोनों तरफ का है। और बात जो है वो सबके लिए, मेरा यही नहीं है कि मैं लड़कों पर ही जो है वो ब्लेम कर रहा हूँ कि लड़के ही ज़्यादा जिम्मेवार हैं, लड़कियां भी जिम्मेवार हो सकती है। लड़कों को फ़ोन करके बुलाती हैं, मिलने के लिए बुलाती हैं, रेस्टोरेंटों में बुलाती हैं, ये नहीं है कि एक ही तरह से। इसमें प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत है, प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है और सोसाइटी को रिस्पांसिबिलिटी लेने की ज़रूरत है ताकि जो आज का जो किस्सा हुआ इस तरह के किस्से जो है वो दोबारा रिपीट ना हो। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।